नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी रहस्यमय चीज़ों से भरी हुई है, तो आज हम आपको ऐसी ही एक जगह के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, जिसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं वो है स्नेक आइलैंड, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको ये जानकर हैरानी नहीं हुई कि ब्राज़ील में एक आइलैंड पर सिर्फ सांप ही सांप रहते हैं? इस आइलैंड पर कोई आदमी आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों, इस बात के पीछे बहुत से लोगों का कहना है कि इसके पीछे बहुत सी कहानी है। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं कि आखिर इस आइलैंड पर सिर्फ सांप ही क्यों दिखाई देते हैं, कोई आदमी क्यों नहीं दिखते। दोस्तों, इस आइलैंड को इल्हा दे क्विदमदा ग्रैंडे के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्राज़ील के तट से 25 मील दूर एक द्वीप है जिस पर कोई भी आदमी नहीं रहता, लेकिन कहानियों के माने तो पहले यहाँ पर एक मछुआरा रहा करता था, लेकिन बाद में उसे भी एक दिन उसकी नाव में मृत पाया गया। आज तक उसकी मौत का रहस्य कोई नहीं जान पाया है। दोस्तों, ये द्वीप इतना खतरनाक है कि यहाँ की सरकार ने, यानी कि ब्राज़ील की सरकार ने, यहाँ पर आने वाले लोगों पर बैन लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सुनहरे लेंस हेड स्नेक की वजह से, क्योंकि ये इतने जहरीले होते हैं कि अगर ये एक बार इंसान को काट ले तो उसकी मौत आधे घंटे के अंदर हो जाती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और आखिर तक मेरे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, अब आपको थोड़ी सी जानकारी इस सांप के बारे में भी दे देते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये सांप अगर किसी व्यक्ति को काट ले तो उसे आधे घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये सांप बहुत लंबे होते हैं, लगभग 5.5 फीट इनकी लंबाई होती है और ये इस आइलैंड पर लगभग 4 से 5 हज़ार की मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने कहा कि स्नेक आइलैंड पर फिलहाल कोई नहीं रहता है, लेकिन कहा जाता है कि पहले यहाँ पर एक परिवार रहता था जो कि यहाँ पर बनी पवन चक्की की देखरेख किया करता था, लेकिन इन सांपों के द्वारा उनके घर में खिड़की से घुसकर काटने पर उनकी मौत हो गई थी। तब से नेवी ने यहाँ पर सभी के आने जाने और रोमांच से भरे काम करने पर रोक लगा दी थी, इन सांपों के खतरों को देखते हुए। दोस्तों, दूसरी कहानी के मुताबिक इस द्वीप पर इन सांपों को नाविकों द्वारा अपने खजाने की रक्षा के लिए रखा गया था। है ना इंटरेस्टिंग, कोई सांपों को खजाने की देखरेख के लिए रख सकता है? तो दोस्तों, वास्तव में ये सांप समुद्र के लेवल से ऊपर आ गए थे और ये द्वीप कहा जाता है कि पहले ब्राज़ील का ही हिस्सा था, लेकिन समुद्र के ज़्यादा पानी के बहाव की वजह से ये कटकर अलग हो गया और अलग द्वीप बन गया, जिसका नाम अब स्नेक आइलैंड है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि ब्राज़ील में होने वाली मौतों का 90% कारण यही सांप हैं, जो कि ब्राज़ील में मौजूद सांपों से भी ज़्यादा जहरीले हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब ये आइलैंड ब्राज़ील से कटकर अलग हो गया था तो इन सांपों को खाने के लिए और रहने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो प्रकृति भी इस चीज़ में साथ देती है कि वहाँ पर मौजूद चिड़ियों को ये खाने के लिए इनके जहर को और भी ज़्यादा जहरीला कर दिया गया, जिसकी वजह से ये इतने जहरीले हैं कि अगर ये किसी व्यक्ति को काट लें तो आधे घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती है। जबकि मेन ब्राज़ील में मौजूद सांप से मरने वाले लोगों को खतरा सिर्फ 7% नहीं बल्कि 3% है, अगर 10% में से देखा जाए तो। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह की वीडियोस और जानकारी के लिए मैं और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद।